आपका जो स्टाइपेंड होता है ना उसमें, वही इतना तगड़ा होता है कि मतलब पूछो ही मत। मतलब 8-10 हफ्ते आपसे जो काम करवाया जाएगा ना, उसका आपका पूरा पैसा दिया जाएगा। मतलब एक बार यदि लग गई इंटर्नशिप तो समझ लेना मजे ही मजे हैं फिर तो। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। यार हर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, उसका एक सपना होता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह मैं काम करूं, या गूगल में काम करूं, या अमेजोन में काम करूं। तो यार उसका जो एक पीछे का स्टेप होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बड़ी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करने का, वो होता है एक इंटर्नशिप। जैसे कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, इनकी भी एक इंटर्नशिप चलती है, जिसके बाद यदि आप अच्छा काम करो तो आपको पीपीओ मिल जाता है, एक प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसकी मदद से जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब आपको जो नौकरी होगी वो मिल जाएगी, यदि आपने अपने इंटर्नशिप में अच्छे से काम किया है और आपको पीपीओ मिल चुका है। तो जब भी आपको यार कोई भी इंटर्नशिप मिले तो उसमें मन लगा के काम करो, अच्छे से काम करो, ताकि आपको पीपीओ मिल जाए। तो इस वीडियो में भी यार मैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, अभी ओपनिंग्स निकली हैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए, ठीक। तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या लोकेशन है, कहाँ पे हमें काम करना होगा, और जितने भी आपके सारे डाउट्स होंगे यार कि मतलब हम कैसे अपना जो इंटर्नशिप है माइक्रोसॉफ्ट में वो कैसे क्रैक करें, क्या क्या हमें आना चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटरव्यू टिप्स, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना जरूर। तो अपन चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम जो है यार वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारी दो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट में, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंस इंटर्न, ठीक है। सो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न के लिए। तो ये हमारा जॉब नंबर है, डेट पोस्ट भैया 8 अगस्त को ही पोस्ट हुई, रिसेंट है, और प्रोफेशन जो है वो आप इंजीनियरिंग दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप है, और रोल टाइप आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, ठीक है। सो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने निकाली गई है जॉब अपॉर्चुनिटी, और जॉब लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 जॉब लोकेशन अवेलेबल है इस इंटर्नशिप के लिए, जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, और बेंगलोर। तो ये आपकी 3 लोकेशन में ये इंटर्नशिप अवेलेबल है आपकी, और इंटर्नशिप तो है ही, ये पहले बता चुका हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी भैया आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं आपको, आपका जो रोल होगा वह एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, असिस्टिंग विद प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोपिंग, और प्रोवाइडिंग एस्टिमेट्स, आइडेंटिफाइंग टास्क ओनरशिप। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भैया, डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग ये जो, और डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आपका यार C++ और डेटा स्ट्रक्चर से हो सकता है। यदि आपकी कमांड अच्छी है C++ और डेटा स्ट्रक्चर में, तो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग है वो एकदम शानदार तरीके से आप कर सकते हो। तो यदि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम अच्छे से आती है, तो ये आप इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, क्वालिफिकेशन में यार एक क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया है कि आपका जो CGPA है वो 8 होना चाहिए। तो जिसका भी यार 8 पॉइंटर से कम है तो आप लोग यार अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो 8 पॉइंटर यार रखा करो मैं, 8 पॉइंटर यदि आपकी है CGPA तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, BTech, MTech, MS degree in computer science or related quantitative field with minimum CGPA of 8, 10 में से 8 होना चाहिए आपका CGPA. Ability to write clean, well-crafted code with an emphasis on quality, simplicity, durability and maintainability. तो आपकी कोडिंग जो स्किल्स है ना वो अच्छे से होना चाहिए आपकी। यदि आपका जो क्विक थिंकिंग एबिलिटी होती है ना, कि मतलब हाल, मतलब आपको क्वेश्चन बताया और आपने हाल दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर दिया, तो आपकी वो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि आप किस एफिशिएंट तरीके से अप्रोच है आपकी, और आप कितने अच्छे से कोड लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा कचरा कर दिया कोड का।
कोडिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, आपकी अप्रोच अच्छी होना चाहिए। वो कहाँ से होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक, तो आप कोडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आप ये क्रैक कर दोगे इंटर्नशिप, ठीक है। तो एक ये हो गई आपकी, और क्या है इसमें देख लेते हैं हम, और ये है भैया कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू सरफेस प्रोग्रेस रिस्क एंड हेल्प नीडेड विद इन दी प्रोजेक्ट टीम। तो आपका भैया हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। बहुत से बच्चों का नहीं होता हेल्पिंग नेचर की भैया इंटर्नशिप है या जॉब अपॉर्चुनिटी है तो हम अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। तो आपका जो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए यार, कि यदि आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो आपका जो भी टीम होगी आप उसको हेल्प करो। मान लो किसी से नहीं हो पा रहा तो उसकी मदद कर दो, तो आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तो थोड़ा देख लेना है, मदद मदद कर दिया करो अपने दोस्तों की, ठीक है। तो यार यही था आपका कि आपकी ये मैंने बता दी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोकेशन भी मैंने आपको बता दी, और यही है कि यार यदि आपकी ये इंटर्नशिप लग गई ना तो मजे हो जाएंगे आपके। और हाँ, यदि लग गई ना तो अच्छे से काम करना ताकि आपको पीपीओ जरूर मिल जाए। तो जबकि अब आपको पता पड़ ही गया है कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि भैया आपको किस चीज़ में अपनी कमांड अच्छी रखनी है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, जैसे कि आपकी सी, सी प्लस प्लस या जावा में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना जो कि आपकी एकदम शानदार तरीके से आपको आना चाहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप वो कर लो, ठीक है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अच्छे से, और जितने भी आपकी डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, डीएस एल्गो जिसे हम कहते हैं, वो आपका अच्छे से होना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन यदि दे दें तो आपको हाल स्ट्राइक कर जाए कि हमें किस डेटा स्ट्रक्चर से इसको सॉल्व करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन लगेगी, क्या एल्गोरिथम इसमें लगेगी ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो यानी कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, सी, सी प्लस प्लस या जावा में से, और साथ ही साथ में आपको डीएस एल्गो आपका एकदम शानदार तगड़ा होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। और अब बात करते हैं, जब आपको ये आ ही चुका है तो उसके बाद आपको और क्या आना चाहिए। जैसे आप सीएस या फिर आईटी के होगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स आना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए भैया? उसमें आपको आना चाहिए भैया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ में आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छा होना चाहिए ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आप बता दो। और साथ ही साथ में आपको डीबीएमएस भी आना चाहिए। तो ये जो तीन जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए, ये आपके मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं यार हर कंपनी ये मोस्ट प्रोबेबली पूछता ही है। तो आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आने चाहिए। इसके साथ में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन ये जो तीन मैंने बताया ना, ये मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो तीन सब्जेक्ट्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएस एल्गो की आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए, तभी आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो या फिर टेक्निकल राउंड क्रैक कर सकते हो, ठीक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो कि भैया हमारे यदि हम माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या-क्या आना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे हमारी कमांड अच्छी होना चाहिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस इंटर्नशिप के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी होता है लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं अब इस चैनल पे लाने वाला हूं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।